वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक गाड़ी का रिव्यू करना चाह रहे हैं, जिस गाड़ी का नाम है i20 Hyundai, पेट्रोल वर्जन है मैग्ना। और ये हमारे साथ इसके ओनर है मेरे दोस्त जिनका नाम है हरिंदर। कब ली थी भाई ये? भैया ये गाड़ी खरीदी थी 2016 में। अच्छा 2016 में ली थी। हाँ लेनी थी i20 लेनी थी। नहीं मेरा मन तो था स्टार्टिंग से ही i20 लेने का, बट एक मार्केट में बलेनो आई थी मारुति सुजुकी की, बट उसमें क्या था, उसमें जो फीचर्स थे वो थोड़े इससे कम थे कि कुछ क्वालिटी और इसमें क्वालिटी में मैंने कुछ फर्क देखा, तो तब मैं इसके साथ ये खरीदी। अच्छा जब गाड़ी खरीदते हुए ये दिमाग में आया कि Hyundai की जो गाड़ी है उनका मेंटेनेंस ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू मारुति, और एवरेज भी देखो तो एवरेज बलेनो का ज्यादा था और इसका साइज कम होगा। ये एक तो शुरू से ही मेरे को परचेज करनी थी i20। एक होता है ना मेरे को शुरू से लेनी है, तो जब एक चीज गन में बैठ जाती है कि लेनी है तो फिर ये मैंने ये चीज। अच्छा ये बताओ गाड़ी का जो इंश्योरेंस लेते हो ये इंश्योरेंस डीलर से लेते हो या फिर कब तक डीलर से लिया था? ये गाड़ी के साथ जो आया था वो डीलर नहीं प्रोवाइड करा था जो शुरू में गाड़ी के साथ आया था, बट लेकिन उसके बाद जो मैंने वो जियो डेप कराया था वो किसी मतलब एक न्यू इंश्योरेंस कंपनी है तो उससे मैंने कराया था, बट जो अभी मेरे पास में है वो जियो डेप नहीं है, वो थर्ड पार्टी का है। अच्छा कभी क्लेम लिया है जब डीलर के थ्रू था तो कोई क्लेम लिया था? हाँ उस टाइम मैंने एक बार क्लेम लिया था इसका, तो इसका बोनट वो सॉरी बम्पर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी छूट गया था, तब मैंने इसका क्लेम लिया था मैंने कंपनी में जाकर। इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम हुई थी या फिर? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई थी, जस्ट फाइल चार्ज के जो पैसे जाते हैं अमाउंट जाता है वो गया था। थर्ड पार्टी में कभी लिया है? थर्ड पार्टी में कभी नहीं। ये बता गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है भाई? जैसे कि Hyundai का कोई बोलते हैं कि पार्ट्स महंगे हैं, तो कभी कोई पार्ट मतलब चेंज करा है? इसमें मैंने कभी कोई पार्ट्स तो ऐसे चेंज नहीं कराया, बट एक बार मैंने एसी का सर्विस कराई थी तो उसमें मेरे पैसे अच्छे खासे लग गए। तो एसी डीलर से कराई थी? नहीं एसी मैंने बाहर कराई थी, मैं डीलर से बहुत कम सर्विस कराता हूँ, तो डीलर के थ्रू क्या कॉस्टली ज्यादा पड़ता है सर्विस, बाहर से ही कराता हूँ। तो डीलर पे कितनी बार कराई थी? जैसे कि गाड़ी साढ़े तेरी 40,000 चल गई है तो 40,000 मतलब चार बार सर्विस हो गई होगी, तो डीलर पे जब पेड सर्विस का बता फ्री का नहीं, तो पेड में कितना खर्चा आ जाता था गाड़ी में डीलर से जब कराई थी? डीलर से कराने में इसमें कम से कम मेरा 10,000 से 12,000 रुपए का इसमें आ गया था। 10 से 12,000 रुपए का ज्यादा मेरा सर्विस आ गया था। अच्छा। और एक बार मैंने फर्स्ट चॉइस पे भी कराई थी उसमें भी मेरा इतना ही पड़ा था, लेकिन जब मैंने बाहर कराई थी तो मेरा 4,000 से 4,500 रुपए में इसकी सर्विस हो गई थी। 10 से 12,000 में उसने कोई पार्ट चेंज किया? कोई पार्ट चेंज नहीं करा था, ओनली सर्विस के, ओनली सर्विस के 10 से 12, तभी मेरे को डीलर से अच्छा मेरे को बाहर लगा। अच्छा ये बता दो फिर डीलर और बाहर जब सर्विस कराते हैं तो क्या मतलब डिफरेंस है कुछ सर्विस में? डिफरेंस कुछ नहीं सेम। अच्छा बस और फर्क पड़ता है आप मोबिल ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं, इंजन ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं। अच्छा जो एवरेज के बारे में और बता दे भाई, एवरेज जो है i20 का ये एवरेज मैंने जब भी चलाई है एसी पे या नॉन एसी पे तो 16 का ही एवरेज, 16-17 का एवरेज मेरे को मिला है। टैंक टू टैंक तो मतलब परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा, गाड़ी ये हिल पे भी लेके गया होगा? हिल पे तो बहुत ज्यादा ही लेके गया हूँ, प्लेन में भी चलाई होगी बहुत ज्यादा। तो जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परफॉर्मेंस के बारे में बता दो कि क्या है गाड़ी का परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस मेरे को बेहतर लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने इसको 160 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड से भी चलाया है, तो स्टेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो कोई उसमें ऐसा नहीं है, बढ़िया एकदम चलती है। इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, ऐसा होता है किसी किसी में कि एकदम ब्रेक मारने पे एकदम स्टीयरिंग क्या है थोड़ा मूव होता है उसमें बबलिंग सा होता है, लेकिन इसमें ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी गाड़ी में। अच्छा तो मैक्सिमम 160 चलाई है, 160 ये सब लोगों से अनुरोध है कि इतनी तेज स्पीड पर ना चलाएं। बट टायर कितनी बार चेंज करा दिया गाड़ी को? टायर एक्चुअली मेरी गाड़ी ज्यादा चलती नहीं है, तो 5 साल में आप 40,000 ही चली है, तो अगर गाड़ी ना भी चले तो उसके टायर जल्दी ज्यादा खराब होते हैं, तो इसलिए मेरा टायर क्या एक मेरे को बदलवाना पड़ा, एक टायर इसमें बदला है। क्या कॉस्ट आई थी टायर चेंज करने की? इसका MRF का टायर मैंने डलवाया था, सब कुछ मिला के अलाइनमेंट वगैरह सब मैंने कराई थी उस टाइम, चारों टायर की, तो 4,000 रुपये पड़ा, 4,000 या 4,100 कुछ पड़ा, 4,000 का खर्चा। अच्छा हरिंदर भाई ये बता गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूजिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। अच्छा और एसी परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है? एसी परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले क्या है, इसका एसी बढ़िया काम करता है, लेकिन मेरी एक
गलती की वजह से मुझे इसमें 5,000 रुपए का एसी रिपेयरिंग करानी पड़ी। अच्छा। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि ये थोड़ा ठंडक कम करने लगा। अच्छा। तो उस टाइम ठंड का टाइम था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो लेकिन एक बार जब मैं गया बाहर कहीं घूमने तो गर्मी का टाइम था उस टाइम, तो उसमें मेरे को लगा कि इसमें वाकई में ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही इसमें गैस वगैरह खत्म हो गई होगी, तो मैंने ले जाके सर्विस सेंटर पे खड़ी कर दी कि भाई इसमें चेक करो। तो स्टार्टिंग में वो तो बोला कि ठीक है भैया इसमें सर्विस चार्ज इतना लगेगा ये लगेगा और गैस में गैस खत्म है तो गैस डाल देंगे आपका ओके हो जाएगा। लेकिन जब उसने खोला इसको तो उसमें एक गैस भर रहा था वो। अच्छा। जब गैस भरा तो एक उसमें वो गैस भरी नहीं गई, वो गैस लीक हो रही थी। जो वॉल्व होता है इसमें सेफ्टी वॉल्व होता है वो खराब था। अच्छा। तो उसमें से गैस बार बार लीक हो रही थी, भरी नहीं जा रही थी, इस वजह से वो मेरा एसी भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर वो हमने वॉल्व ऑथराइज सेंटर पे से जाके वॉल्व लिया इसका एसी का, तब जाके ये ठीक हुआ। तो वॉल्व ही वो कम से कम 2500 रुपए का था। अच्छा। हाँ। और म्यूजिक सिस्टम से कोई कंप्लेंट तो नहीं है? म्यूजिक सिस्टम से कोई कंप्लेंट नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। गियर तो स्मूथ है, गियर से रिलेटेड कोई इशू? गियर से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन भी आप देखिए, मैंने काफी ऑफ रोड, मतलब इसमें मुझे लग रहा है मैंने 36,000 चला ली है ये। तो इसमें से मैंने 10,000 ही प्लेन में चलाई होगी, बाकी ये हिल में ही चली है। तो सस्पेंशन तो बहुत बढ़िया लाजवाब है। और गाड़ी में जो मुझे इसमें एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि गाड़ी में यहाँ पे 2 LED दे रखी है, ये फ्रंट के लिए भी है और ये यहाँ पे ग्लास होल्डर है, चश्मा भी रखा है लोंडे का। अब हम चश्मा लगाना भूल गए नहीं तो चश्मा भी लगाते हैं। और ये लाइट का जो थ्रो देख सकते हो रात में, और ये है इसका नाइट का। लाइट में प्रॉब्लम है, मतलब स्टार्टिंग मतलब मेरे को ये कमी लगी इसमें, लाइट का थ्रो इतना नहीं है। अच्छा। इसमें ऑटो लॉक का फंक्शन नहीं है क्या गाड़ी में? ऑटो लॉक का फंक्शन नहीं है इसमें, जैसे स्विफ्ट में होता है। हाँ। ऐसा इसमें नहीं है। अच्छा, अच्छा भी है कई बार, मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है। ये गाड़ी में एक और अच्छी प्लस पॉइंट है, गाड़ी में कोल्ड ग्लव बॉक्स है। और अच्छा बताइए इसके कभी यूज किया है हरेंद्र? हाँ इसको यूज मैंने एक काफी, मतलब ये ज्यादातर यूज गर्मी में ही होता है, ठंड में तो यूज जैसे एप्पल वगैरह फ्रूट्स वगैरह रखते नहीं है। अच्छा। गर्मी में कैर में छोटी आधा लीटर की बोतल बड़े आराम से आ जाती है, 4-5 बोतल अपना रख लेते हैं तो गर्म नहीं होती है। एक्चुअली वैसे अगर रखोगे आप डोर में तो रखे रखे गर्म हो जाती है, 3-3 घंटे की ड्राइविंग रहती है। तो उसमें ये सबसे बढ़िया चीज है, आपको पानी ठंडा मिलेगा। अच्छा कभी लॉन्ग रन पे आपने मैक्सिमम कितना लॉन्ग रन लिया है इससे, वन टाइम नॉन स्टॉप? यार ऐसे तो याद नहीं रहा मेरे, लेकिन एक बार मेरा मैंने इसको मैं एक दिन यहाँ काशीपुर से रानीखेत, रानीखेत से नैनीताल, नैनीताल से काशी। अच्छा। सबसे लॉन्ग ये किया था। मतलब जहाँ तक होगा 200-200 किलोमीटर के आसपास होगा, ज्यादा होगा इससे, बट पूरा हिली एरिया है। टोटल ही एरिया था वो 350 किलोमीटर के आसपास इन्होंने कवर किया था वन गो में, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं था? नहीं कोई इशू नहीं, वही ग्राउंड क्लियरेंस का एक जो इशू मैंने बोला था तो थोड़ा मेरे को हिली एरिया पे थोड़ा लगा, क्योंकि थोड़ा वन वे वाला रास्ता है रानी काशीपुर से रानीखेत। ये तो है उधर ऊपर नीचे, तो यहाँ पे लैग स्पेस मेरे अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा है गाड़ी में। और कई बार ऐसा हुआ इसमें स्पेस के लिए मैं इसमें कई बार सोया भी हूँ। अच्छा। हाँ जैसे लेट नाइट पहुंचते हैं होटल्स वगैरह में रूम अवेलेबल नहीं होता है तो इसी में अपना सो जाता हूँ। अच्छा। तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ थकान रहती लगे या कमर में दर्द पैर। गाड़ी में सिटिंग स्पेस की बात करें तो अब बैठ के दिखा भी हरेंद्र, चल अंदर गाड़ी में और ड्राइवर सीट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। ये आगे है हरेंद्र की हाइट 10 हाइट है और इन्होंने ड्राइविंग सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पैर के लिए भी देख रहे काफी स्पेस है। अच्छा पीछे का और स्पेस, अच्छा ऊपर हेड का स्पेस और देख लेते हैं, हेड का स्पेस कितना है? हाथ से लगाना जरा भाई, हाथ से कितना रहा? काफी है, काफी स्पेस है, मतलब ये है कम से कम 4-5 इंच, 4-5 इंच है। आप पैरों की बात करेंगे तो अब भी काफी स्पेस है सीट के और लेग के बीच में। अच्छा हरेंद्र ये बता भाई, कभी 3 लोग बैठे हैं पीछे सीट पे? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। तो कैसी रहती है? भी बैठे हैं इसमें। अच्छा 3 के लिए बताओ कि 3 के लिए स्पेस है तो आराम से बैठ जाते हैं? हाँ, या देखिए हमारे दोनों के बैठने के बावजूद भी एक आदमी मेरे बराबर, अच्छा मेरी शरीर बॉडी टाइप, अच्छा एक आदमी बड़े आराम से बैठ जाएगा। ओके ओके ठीक है। ओके। ये बताइए कभी बूट लगा कि कम है ये? इतना हम
सभी लगेज लेके नहीं गए हैं, जितना भी लेके गए हैं वो सफिशियंट है एक फैमिली के लिए। ओके ओके। जैसे कहीं जाते हैं हम घूमने के लिए, हिल्स पे भी गए हैं, काफी दूर दूर भी गए हैं, तो मेरे को इतना लगा नहीं, सफिशियंट है एक फैमिली के लिए। ओके ठीक। गाड़ी के इंजन के साउंड अब सुन लीजिए, जहां तक मैं फील कर पा रहा हूँ गाड़ी की बिल्कुल भी साउंड नहीं है, इवन मैं बाहर खड़ा हूँ। ये i20 का इंजन है। अच्छा, गाड़ी अभी ऑफ है तो अभी तो कोई साउंड आ नहीं रही होगी। अब मैं हरिंदर से कहूंगा भाई गाड़ी एक मिनट ऑन करना। भाई हरिंदर, गाड़ी के इंजन की नॉइस देख लो, बिल्कुल कम नॉइस है, जैसे कि बोनेट भी खुला है गाड़ी का।